योगी आदित्यनाथ पे कहा है कि उन्होंने पत्रकारों को हॉस्टेज बनाए रखा ताकि सवाल न पूछे मुरादाबाद की। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये एक भय की राजनीति जो है बीजेपी ने ये एक इसका एक वो बना रखा है अपना फॉर्मूला कि कोई भी सवाल जो है वो सामने ना आए, सबको या तो दबा के रखो या डरा के रखो। और ये कोई आप उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि पत्रकारों को जो है डराया गया, धमकाया गया, उनको मारा गया। तो इनका एक प्रचलन है जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं। नुसरत जहाँ फिल्म इंडस्ट्री से आती है, अभी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, उनके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये शादी गलत है, जिस तरीके के सवाल खड़ा हो रहे हैं और उस पर जो राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करते हैं और जो दिल वाले हैं वो दिल की बात करते हैं। और दिल अगर कुछ कहता है तो अगर कोई शख्स दिल की मानता है तो उसके दिल का सम्मान करना चाहिए। और दंगल गर्ल ने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा और जिस तरह से वो कहा कि हमारा धर्म इसमें आड़े आ रहा था और इसलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया है, किसने? जायरा वशी। जायरा वशी, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं सर। मैं प्रियंका गांधी।